अस्सलाम वालेकुम। आज उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द आज आपके साथ खुश रहे, हंसते और मुस्कुराते रहे और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते रहे। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मुंबई। तो आज हम किस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है नो यूनिटी इन पाकिस्तान टीम, इंडियन फैंस आउटसाइड स्टेडियम आफ्टर मैच। तो देखते हैं भाई, इंडियन भाई जो है वो क्या बात कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम के बारे में और अपना रिव्यू कर देंगे। वीडियो करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कौन करते थे पाकिस्तान टीम? इस वक्त फ्रेंडशिप पे चल रही है, सारे दोस्त बडीज दे आर पुटिंग टुगेदर, राइट। आज का मैच बहुत अच्छा था, लेकिन इंडियन स्पोर्ट बहुत ज़्यादा थी, उसको देखते पाकिस्तान टीम अच्छी खेली लेकिन उतना अच्छा नहीं खेली जितना वो खेली। बीच में 119 रन बनाने को इतना मुश्किल नहीं था। तो कहाँ गलती की पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने गलती करी इंडिया से मैच खेल के। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट बड़ी? नहीं, फिर भी चले मैच की बात कर लेते हैं। कहाँ, मतलब आपको लगता है कि शुरू में लगता था पाकिस्तान जीत सकता है? पाकिस्तान डीप लेके जाने के चक्कर में थी। जब भी आप गेम ऐसी पिच पे डीप लेके जाएंगे, आप आधे खुद ही वो हो गए। डिफेंसिव क्रिकेट खेली, डिफेंसिव बहुत ज़्यादा डिफेंसिव खेली। जब वो दस ओवर में आप 50 हो तो आप नेक्स्ट 5 ओवर में उसको करो ना, 2 विकेट ही गई थी उनकी। तो आप क्या समझते हैं वैसे एज अ इंडियन, आपका क्या सजेशन है पाकिस्तान टीम में, क्या चेंज क्या आने चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान टीम इस वक्त फ्रेंडशिप पे चल रही है, सारे दोस्त बडीज दे आर पुटिंग टुगेदर, राइट। दे हैव टू चेंज एवरीथिंग। आई थिंक बाबर से लेके ऊपर तक पूरा चेंज करना पड़ेगा, तब ये चलेगा। आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल, टीम डेकोरम इज रिक्वायर्ड। दोस्तियाँ यारियाँ चल रही हैं, दोस्तियाँ हैं, जैसे आपका आजम खान पसीने से डॉलर साइन वो कर रहा है, राइट। इट इज़ नॉट अ थिंग मैन, अपना करेंसी है डॉलर। पाकिस्तान में क्या वैल्यू है उसकी दुनिया जानती है, इंडिया में क्या वैल्यू है दुनिया जानती है, और आप उसके साथ ऐसे खेल रहे हैं, मीम्स हैं, लेट देम इन्जॉय। क्या लगता है आपको पाकिस्तान टीम में, क्या लगता है आपको पाकिस्तान टीम में क्या बेहतर होनी चाहिए? पाकिस्तान टीम अच्छा खेलती है, प्लेयर्स भी टैलेंटेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो गलत है। सर, प्लेयर बहुत टैलेंटेड है, अच्छा नहीं खेल पा रही है, क्योंकि आई थिंक यूनिटी नहीं है एक तो, और ग्रुपिज्म बना हुआ है, और ऊपर से काफ़ी प्रेशर लेते हैं भाई, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर चेंज कर रहे हैं फालतू का। 112-113 रन बनाने हैं यार, इजी यू नो 15-20 ओवर में बना के ख़त्म करो, यू नो, तो काफ़ी प्रेशर ले रहे हैं, बस यही है। आपको क्या लगता है कि क्या चेंज होना चाहिए पाकिस्तान टीम में ताकि पहले चश्मे उतार? मुझे लगता है कि उतार लिए मेंटालिटी पहले तो चेंज करनी चाहिए। इंडिया टूर्नामेंट में आता है वर्ल्ड कप जीतने के लिए, पाकिस्तान आता है सिर्फ इंडिया को हराने के लिए। आई थिंक वो चेंज करना चाहिए, और थोड़ा डिसिप्लिन हो जाए और थोड़ा फेयरलेस क्रिकेट खेले। मुझे लगता है अभी भी 90s की क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान, बाकी टीम्स बहुत आगे निकल गई हैं, और जो उनकी ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो 90s की चल रही है अभी भी, मेरे को ये लगता है। बिल्कुल 90s की क्रिकेट खेल रहे हैं अभी, दे स्टिल हैव ग्रुपिज्म, दे आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग डीप गेम, जबकि 112 का स्कोर है आपका, राइट। 112 में आप क्या करें, 118 का स्कोर आपको कुछ लगता है? I don't speak Hindi, I'm sorry, I only know English. He's from Bangladesh. Don't involve him. All good. Thank you. क्या लगता है कि कहां से मैच गया पाकिस्तान के हाथ से? ये हारा है, मैं बता सकता हूँ कि बैटिंग में ये लोग यू नो लो थे, बट इट्स ओके, हम भी डिफीट करे, उन्होंने भी डिफीट करे, बहुत खुश नहीं होना पहले, नेवर गिव अप, यू नो, नेवर गिव अप, इंडिया नेवर गिव अप। जो भी ये बोल रहा है, नेवर गिव अप, क्या कहेंगे, जो भी ये बोल रहा है, एग्री विद हिम, ठीक कह रहे हैं। सेलिब्रेट बिफोर विन, यू नो, नेवर सेलिब्रेट बिफोर विन, यू नो। इंडियन फैंस जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं, और आप ये देख रहे हैं कि फैंस, पाकिस्तानी फैंस यकीनन सैड होना बनता है उनका। पाकिस्तान जिस तरह आगाज़ किया, बज़ाहिर ये लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकती है, लेकिन उस तरह पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर पाई। तो बेस्ट पार्ट इंडियन भाईजान, क्या कहेंगे आज के मैच पे? बढ़िया मैच थी, कुरुन वास एंडिंग मोर। तो कौन अच्छा खेला आपको लगता है? बुमराह मैन ऑफ द मैच, गॉड। पाकिस्तान ने कहां गलती की आप मेरे? आई थिंक वो थोड़ा स्लो चले गए थे बीच के ओवर में, बट अदर वंडरफुल गेम टू बी है। Yeah.
तुमको किसने कहा है कि यार बंधु को देते हैं ये चांस? वो जो बारी बारी सामियों को देते हैं ये तो आज अमेरिका की टीम में खेल रहा है, नाम रोशन कर दिया पूरे अमेरिका का, गुस्सा निकाला है उसने पाकिस्तान। तो हमारे यहाँ जो है जो पैसा जिन्होंने अपना फिटनेस टेस्ट ही नहीं पैसा पास किया वो हमारे टीम के प्लेयर है, फिर ऐसे ही चलेगा। जो फिट नहीं बंदा, वैसे तो कहते हैं कि अनफिट है, ये है वो है, वो नहीं खेल सकता। तो भाई यहाँ पे जो फिजिकली फिट नहीं तो कह रहे वो भी वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। अब बाद वसीम भाई साहब फिट नहीं तो फिर उसको लेकर जाने की क्या नौबत है? वो बाद हम उसको बैठ कर रहे हैं। मोटा पैसा है? नहीं नहीं एक और है, एक मोटे भाई, मोटे का क्या नाम है? आजम। हाँ तो उसको ले जाने की क्या जरूरत है? उधर में उसकी एक वीडियो देख रहा था, अमेरिका के अंदर ट्रेनिंग हो रही है, बाकी सारे ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भाई साहब स्टेडियम से बाहर जा रहे हैं। तो यार वो खेलने थोड़ी जाते हैं, वो तो एंजॉय करने जाते हैं। अच्छा भाई पब्लिक की बात करें ना तो मेरी नजर थी इंडियन और पब्लिक और पाकिस्तानी पब्लिक की, क्योंकि टी शर्ट जो है वो इंडिया पाकिस्तान को दूर से दिख रही थी। तो अक्सर मैंने ये नोट किया कि भाई जो इंडियन थे अक्सर लेडीज हो जेंट्स हो सब जो है भाई सब अक्सर फिट नजर आ रहे थे, स्मार्ट थे। और भाई जो पाकिस्तान के मोस्टली जो है ना लेडीज हो गई, मर्द हो गए, मर्द हजरात के भाई साहब इतने जो है बड़े बड़े पेट भाई उनके मेरे महाराज है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, वो खुद को फिट नहीं रखते उनकी टीम। देख लो जब आवाम ऐसी है तो टीम भी तो इसी आवाम से निकल कर जाती है ना भाई। एक भाई तो बोल रहे हैं कि भाई 90 की दहाई वाली जो है ना वो क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान, 90 जितने स्कोर है इनको ना 10-15 ओवर में खत्म करने चाहिए थी, कि पहले 10 ओवर में 50 बन गए, अगले 5 में बाकी जो है वो 50 करते हैं। लेकिन उन्हें तो ये बताया गया था कि भाई साहब मैच जीतना नहीं, बस विकेट जो है ना वो संभालनी। ये अच्छा ये गढ़ कायम है, ये ग्रुप में भी किस किस की कोई है यानी मेरे आपस में मुखालफत है टीम के अंदर? मुखालफत है साहब किसी से नहीं, कैप्टन से किसी की भी नहीं। अच्छा मुखालफत है बाहर जो स्टाफ है ना उसके अंदर है, वहां पे क्या चल रहा है? तेरा बैटिंग कोच है मोहम्मद यूसुफ, चीफ सिलेक्टर है वहाब रियाज, और मैं तुझे बताता हूँ अहमद शहजाद की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, जो ये फखर है या आजम खान है या सैम यूबिन सबसे वो अच्छा खेल रहा है। पहले कितने मैच खेले वो तो बकवास खेलता रहा है, और पहले जो जब एक दफा खिलाया था भाई अहमद शहजाद जितनी देर भी खेला ना ओपनर अफरीदी की कैप्टनी में खेला, इस बार भी कैप्टनी खेला, उसने कितने मैच जितवाए हैं। मैंने उसकी परफॉर्मेंस अच्छी, आपने अहमद शहजाद को देख के नहीं खेलते? मैंने देखा है बैटिंग करके दिखाई अपने आप को, फिटनेस दिखाई। ये जो हुई है पिछले दफा ये कौंडियां जो हुई है पाकिस्तान में आईपीएल में नहीं खिलाया, चीफ सिलेक्टर ने आईपीएल में नहीं खेला दिया अहमद शहजाद, सॉरी पीएसएल में नहीं, तो बात कर रहा हूँ तो देख ले उसको अपने मुल्क की लीग में नहीं खेलने दिया, फिर वो क्या खेलेगा?
सबसे ज्यादा रन इस साल तो उसने बनाए, उसको वहाब रियाज नहीं खिलाती, वहाब रियाज की उसकी क्रिकेट में बनती नहीं थी, वो वहाब रियाज बन गया चीफ सिलेक्टर, बनाया जिसने शबाज शरीफ ने, अच्छा अतारण ने उसको बना दिया, वो बंदा खुन्नस निकाल रहा है, वो पता कितनी तनख्वाह लेता है, एक करोड़ रुपया लिखता है, एक करोड़ रुपया मिलता है उस बंदे को, चार लैंड क्रूजर है, दो फॉर्च्यूनर, छोटी गाड़ी को तो पता ही नहीं, आलीशान बंगला मिला हुआ अपने घरों के अलावा उसे, बात करना क्या है जी, टीम सिलेक्ट करनी, ये टीम सिलेक्ट की उसने, बाबर ने जब आयरलैंड गए थे उस दिन तीन लड़कों का नाम दिया, कैप्टन हरमन था उसने ना, मुझे भी कोई खिलाड़ी पूछते तुझे कौन से लड़के चाहिए, उसने तीन लड़कों का नाम दिया था, उसने एक को भी नहीं खिलाया, वो तीनों बैर बैठे, बाबर से सवाल किया, उसने कहा जिस तरह फिर चीफ सिलेक्टर या चेयरमैन कहेंगे मैं क्या दूंगा, मैं उनको ही खिलाऊंगा जो वो मेरे तरफ से, तो हाथ बंधे हुए हैं ना, वो क्या कर सकता। बाकी बात ये है कि मैं तो ये कहना चाहूंगा जो भी टीम चीफ सिलेक्टर छोड़ के वजीर दाखिला है और चेयरमैन भी है, पूरे अमेरिका में अगर कोई गैरतमंद पाकिस्तानी है ना, इनसे टोटल से बायकॉट करे, ना इन्हें पानी पीने देना, खाना देना, कुर्सी देना, चार पाई दे, ना सोने दे, इनको भगाए घर से, को जो इनसे पाकिस्तानी सलाम भी लेगा वो भी बेगैरत होगा, वो कुत्ते का बच्चा होगा जो इनसे सलाम भी लेगा, ये इतनी बेगैरत टीम होगी है, इनसे सलाम नहीं लेनी, सिलेक्टर से भी नहीं लेना, जो टीम का चेयरमैन है उससे भी नहीं लेना, कोचों से भी नहीं लेना, इनसे तुझे बता रहे इनको पानी तक ना पूछो, इनसे सलाम तक ना लो, अगर यही काबल है, अगर इंडिया को हरा जाता तो फिर अपने पाकिस्तानी लोगों को और पाकिस्तानी टीम को सलाह मशवरा देना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान चाहता है मेरी सेमीफाइनल या फाइनल तक रसाई हो तो भाई साहब इंडिया वाले ग्रुप से अपने आप को बाहर निकाल लो, अच्छा है ये तो पागल है, और जब काम टीम ने नहीं करना होता, सिलेक्टर ने नहीं करना होता, आईसीसी इनको पता है क्यों कट्टा रखती है, पैसा कमाना होता है, बाद में नहीं कट्टे होते, नहीं हो सकते, अच्छा मैं बताता हूँ, क्या नहीं हो सकते, आपने ना सुनाया ठीक है, अच्छा अभी ये दूसरे पोल में होता पाकिस्तान, इस पोल में होती इंडिया, इधर इंडिया जीत जाती उधर पाकिस्तान हार जाता, फिर कैसे खेलते, या इधर इंडिया अपने बोल जाने तो पाकिस्तान जीत जाए, ये बोल तो पाकिस्तान को अगर जीतना है ना लगा तो इंडिया को भाई साहब हर इवेंट से बाहर कर दो भाई, इसका पैसे नहीं होते, आईसीसी पैसे से कमाती है भाई साहब, अच्छा पूरे वर्ल्ड कप ये टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है ना, मुझे पूरे वर्ल्ड कप में इतनी आवाम के लिए स्टेडियम में तीनों दिखा दे, मुझे दिखा देना हर का मैं जितने भी मैच हुए रिकॉर्ड में जो पॉपुलर यार मेरे को रिकॉर्ड था, इसके अलावा हरावा नहीं थी, फाइनल लड़ते हैं ना फाइनल उसमें ज्यादा हो जाते, अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीम सेमीफाइनल के अंदर तो इससे ज्यादा पब्लिक इकट्ठी होनी है, जल्दी होनी है, ग्रुप पे हारे यार आईसीसी की मर्जी है, वो इसको रखती पैसे के लिए जाने का चांस उस वक्त ज्यादा पब्लिक आती है ज्यादा, जहां पर तारक बत्ती ये तो बोल रहा है तू बता दे रहा करने से कमाई नहीं भाई, ये नॉर्मल मैच देखना कितनी पब्लिक थी 32000 के ऊपर, ये तो बोल रहा है नॉर्मल के अंदर इतनी, अगर वैसा सेमी या फाइनल होता तो कितनी होती, तो अगर वो हार तो उस मीटिंग में जाने वाले हैं,
इंडिया ग्राउंड है उतने ही बंदे बैठने हैं। ओ भाई दूसरी टीम में झांक मार दिया ये, अगर इंडिया उधर से आ जाता पाकिस्तान जीत जाता, अगर पाकिस्तान जीत जाता इंडिया आ जाता, फिर आगे कैसे खेलना है? उनको पहले खिलाते इसलिए कि अवाम का ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाए, पैसा कमाना होता है आईसीसी। अब पाकिस्तान बैर हो गया है तो बैर ही हो गया, तेरे ख्याल से कांग्रेस इकट्ठी नहीं होगी? मैं कहता हूं आज के मैच में नहीं होगी, मैच आज के मैच में सेमी फाइनल का फाइनल में सबसे ज्यादा वो तो भाई होती है, वो तो बड़े मैच होते हैं, ये तो बोल रहा ना पाकिस्तान इंडिया के मैच में सबसे ज्यादा। अच्छा भाई पाकिस्तान एक भाई साहब, अच्छा अच्छा पाकिस्तान बाहर हो गया, दूसरे मैच का हो जाए फाइनल ज्यादा हो सकती है, अच्छा एक मिनट, लेकिन इंडिया का हो जाए सेमी फाइनल का फाइनल का मुकाबला ये मैच नहीं कर सकता। एक मिनट तेरी मेरी खेत लग गई, इंडिया जाए, मैं दुआ करता हूँ इंडिया सेमी फाइनल जाए, फाइनल जाए, मुझे इतनी अवाम इंडिया का किस दिन नाल भी मैच हो जाए, तू मेरे अवाम इतनी दिखा दे पाकिस्तान लेकिन जिस तरह दूसरे भी आम मैच हो रहे हैं, दूसरी टीमों के आम मैच हो रहे हैं, उनमें और पाकिस्तान के मैच में फर्क था ये बिल्कुल होता है। और ये अच्छा जो जो पाकिस्तान और इंडिया का अहमदाबाद में मैच यही बोल रहे अहमदाबाद में जो मैच हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, स्टेडियम फुल था या नहीं था? बैर वो मैच थी, फाइनल में उतनी आवाम थी और उस मैच में भी उतनी, फाइनल में कम थी उससे यार, इंडिया की आवाम मीडिया बता रहे उससे कम नहीं थी, उससे कम थी, मेरे पास शर्त लगा रहे मेरे कितने इंडियन भाइयों से बात कर रहे शर्त लगा रहे 50,000 रुपए की आप लोगों ने बात कर ली है यार, अब 50,000 देती और भी देना चाहिए। हां मुझे नहीं बोल रहे, अच्छा तू बोल रहे, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ तकरीबन 90% लोग इंडियन थे, और जितने मर्दी बात तो सुन ले, जितने मर्दी पाकिस्तान के बात तो सुन ले, क्लियर तो होने दे, गुण की बात क्लियर तो होने दे, क्लियर तो होने दे, अच्छा 90% इंडियन थे, 10% पाकिस्तानी थे, और जेई इंडियन जकूब हो रहा है, अगर जेई पाकिस्तान इंडियन टीम फाइनल सेमी में चली जाती है तो क्या और इंडियन जो लोग उधर है वो नहीं जाएंगे? उससे ज्यादा लोग हो जाएंगे। हमारी दुआ है और ज्यादा इकट्ठे होना शुरू, हमारी दुआ है कि इंडिया सेमी फाइनल में जाए। लॉजिक ये कि भाई सिर्फ स्टेडियम फुल था या नहीं था, यकूब का ये पाकिस्तान का मैच इंडिया ने सेमी फाइनल खेलेगा या खेले ना तो इतना रश नहीं होगा, इतना नहीं होगा, और इंडिया मैं भी दूसरी बात कह रहा हूं, इतनी आवाम नहीं होगी, बताइएगा जरूर के क्या इंडिया पाकिस्तान का जो अहमदाबाद में मैच हुआ उसमें बंदे ज्यादा थे या वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम ही वही है? बात तो क्लियर करने दे यार, कितने लोग थे स्टेडियम फुल था यानी अहमदाबाद में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था? बिल्कुल फुल था, कम थे बंदे या फुल? फाइनल फाइनल में फाइनल में भी फुल होगा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा कब, जब एक गिलास है उसमें जो भर जाना था उससे ज्यादा कब भर कर जाना, और इतना भी फुल नहीं था जब पाकिस्तान और इंडिया का मामला फाइनल में नहीं था, मैच में मिल रही है 50,000 रुपए लोग फिर रहे हैं पैसे लेकर, हां अजीब बंदा कहता है उस वक्त कम फुल था उस वक्त ज्यादा फुल था, ये बंदे का लॉजिक अलग है भाई। चलो जी ठीक है भाई, अपनी राय रुकता ही कमेंट सेक्शन में इंडिया और पाकिस्तान के मैच में, क्योंकि पूरी दुनिया में कंट्रोवर्सी बनती है, ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की पब्लिक नहीं देखती, पूरी दुनिया देखने आती, गोरे कितने आते हैं, रात में साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच था 10 बंदे बैठे थे, बात करता था नहीं है, अपनी राय रुकता ही कमेंट सेक्शन में। मैं वीडियो देख रहा था, सुन रहा था, कमेंट्री कह रहे थे कि जब जितने भी आए थे मैच में अमेरिका में सबसे ज्यादा रश, और ये गोल सच्चा भाई कमाई करने के लिए इन दोनों को ठीक है भाई, एक गोल में रखा जाता है। अपनी राय रुकता ही कमेंट सेक्शन में, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।